हेलो एडियन, एपिसोड के स्टार्ट 5 से होती है जहाँ पर जेन सो रहा था और तभी उसके पास राय का कॉल आता है। और जब वह कॉल पिकअप करता है तो राय उससे कहता है, मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ, क्या आज मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? जेन ओके कहता है और फिर वह राय को लेकर आ जाता है। जेन देखता है कि राय थोड़ा सा अपसेट है तो वह उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो। राय उससे कहता है, क्या तुम मेरे बैग को स्क्रैच कर सकते हो? जेन ओके कहता है और फिर वहीं पर लेट कर उसके बैग को स्क्रैच करने लगता है। राय उससे कहता है, तुम जानते हो जब भी मुझे कभी नींद नहीं आती तो मेरे डैड भी ऐसे ही मेरे बैग को स्क्रैच किया करते थे। मुझे उनकी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। और तभी जोर से बिजली कड़कती है। राय डर जाता है तो जेन उसे हक का लेता है। राय उससे कहता है, मैंने तुम्हें स्क्रैच करने के लिए कहा था, हक करने के लिए नहीं। तभी जेन उससे कहता है, तुम जानते हो जब मुझे कभी नींद नहीं आती तो मेरे डैड मुझे ऐसे ही होल्ड करके रखते थे। और यह कहते हुए वह फिर से उसे होल्ड कर लेता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जेन और राय एक दूसरे को किस कर रहे थे। लेकिन तभी बोतल गिरने की आवाज़ सुनकर राय तुरंत जेन से दूर हट जाता है और दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है। और यह सब देख कर जेन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। राय भी इमोशनल था। अब इन दोनों के बीच पास्ट में क्या हुआ था ये तो शायद हमें आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग प्रैक्टिस के लिए आते हैं। लेन अपने डैड से कहती है, अब तो 24 घंटे हो चुके हैं तो हमें इनके फोल्ड को काट देना चाहिए। इस पर टोन कहता है, नहीं, एक दिन और रखना चाहिए। जेन टोन से कहता है, नहीं, अब यही बहुत है। तो फिर टोन भी ओके कह देता है और लेन उन दोनों के बैंड को काट देती है। और फिर सभी लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। वो लोग काफ़ी देर से प्रैक्टिस कर रहे थे। और फिर टोन सभी लोगों को बताते हैं कि उन लोगों ने अब पहले से काफ़ी बेहतर किया है। यह सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेन जेडी से टीम के इम्प्रूवमेंट के बारे में पूछती है तो जेडी कहता है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है एंड तुम चाहे तो ग्राफ भी देख सकती हो। और यह कहते हुए वह उसे ग्राफ दिखाने लगता है। टोन उन दोनों को देख रहा था तो लेन से पूछता है कि अब ये बंदा कौन है। इस पर लेन उससे कहती है, टैड, क्या आपको अल्जाइमर हो चुका है? आपको याद नहीं है, ये हमारी टीम का न्यू मेंबर है और आप ही ने तो इसे इस टीम में आने की परमिशन दी थी। यह सुनकर टोन कहता है, ओ हाँ, याद आया, ये तो राय का फ्रेंड है ना। इस पर लेन कहती है, हाँ, और अब ये मेरा राइट हैंड है। एंड फिर वह कहती है, नहीं, ये अब तो मेरा लेफ्ट हैंड है। यह सुनकर वो हंसने लगते हैं। इसके बाद हमें एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेन की टीम का मैच था। अदर टीम काफ़ी स्ट्रांग थी लेकिन राय के होते हुए उनकी टीम जीत जाती है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग काफ़ी वक्त बाद जीते थे। और वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो सीधे टोन को ऊपर ही उठा लेते हैं। टोन कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो लेकिन हमें ग्रुप हक करने की ज़रूरत है। यह सुनकर फर्स्ट कहता है, हाँ, हमें थोड़े से की तो ज़रूरत है। इस पर टोन कहता है, अब तुम इस तरीके से स्माइल करना बंद करो एंड अब सामान को पैक करो और घर जाने की तैयारी करो। तो सभी लोग ओके कहते हैं। और जब वे लोग जाने लगते हैं तभी टोन अपने एक सीनियर फ्रेंड पॉम से मिलता है जो उससे कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम बास्केटबॉल छोड़ चुके हो लेकिन तुम तो अब एक कोच बन चुके हो। और फिर वह अपने टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर से मिलाता है जो कि कोई और नहीं एटम था। उसे देखकर जेन तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। पॉम टोन को बताता है, एटम इस साल का सबसे टॉप प्लेयर है और वह नेशनल टीम में भी जाने की तैयारी कर रहा है। और तभी एटम की नज़र जेन पर पड़ती है और वह जेन को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। दूसरी तरफ हमें क्यू को दिखाते हैं जो कि रायो का मैच देख रहा था और उसे देखते हुए उसे अपनी याद आने लगती है जहाँ पर वह किस तरीके से रायो के साथ बास्केटबॉल खेला करता था। और यहीं पर उसने रायो को स्ट्रीट बास्केटबॉल के गेमलिंग के बारे में पूछा था। तो फिर इस पर राय भी उससे हाँ कह देता है और कहता है कि जो तुम कहोगे वही करेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ओटोस इंटीमेट होते हैं। ओटोस उससे कहता है, क्या हुआ, आज तुम इतने ज़्यादा अच्छे क्यों थे? इस पर क्यों कहता है, क्योंकि मैं आपको जितना हो सके सेटिस्फाई फील करवाना चाहता था। टोस कहता है, तुम ये सब राय को बचाने के लिए तो नहीं कर रहे थे? इस पर क्यों कहता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। टोस उससे कहता है, पर अभी तुम्हारे कंट्रोल में तो है ना? इस पर क्यों कहता है, हाँ, मैंने कल ही उससे बात की थी और उसने कहा है कि उसे थोड़ा सा वक्त और चाहिए, उसके बाद वह बता देगा। तो टोस उसका फ़ोन लेता है और फिर वह राय के पास कॉल कर देता है लेकिन राय कॉल पिकअप नहीं करता। तो टोस कहता है, पर तुम्हारे सच में कंट्रोल में है? लेकिन वह तो तुम्हारे फ़ोन को आंसर ही नहीं कर रहा, क्यों कुछ नहीं कहता? तो टोस उससे कहता है, एक्चुअली में मेरे क्लाइंट को राय की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए तुम उससे कहोगे कि वह मुझसे मिलने के लिए आए। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ?
तुम अपना रास्ता अपनाओगे या फिर मुझे अपना तरीका अपनाना होगा। चॉइस तुम्हारे हाथों में, तो क्यों कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ हमें जेन और उसकी टीम को दिखाते हैं जो सभी लोग पार्टी कर रहे थे। जेडी सभी लोगों को इन्फॉर्म करता है इंटर हाई मतलब एटम की टीम का रिजल्ट आ चुका है और वो लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स से जीते हैं। वो लोग 85 और 42 के मार्क्स से जीते हैं। यह सुनकर बुध कहता है इसका मतलब वो लोग, तभी रायो कहता है आउट क्लास्ट। लिन को समझ नहीं आता तो उससे पूछती है कि इसका मतलब क्या है, तो राय उसे बताता है जब विनर टीम हारने वाली टीम से डबल पॉइंट गेन कर लेती है तो उनकी जीत एक क्रशिंग विक्ट्री हो जाती है, लेकिन ये सब तो स्कूल गेम में कभी नहीं होता। यह सब सुनकर जेडी कहता है अगर इंटर हाई टीम जीती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा नेक्स्ट गेम उनके साथ होने वाला है। और फिर वह बहुत ही वरीडली कहता है क्या हम उन्हें बीट भी कर पाएंगे। यह सब सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा फरीड हो जाते हैं, लेकिन तभी लिन सभी को कंसोल करते हुए कहती है हम लोग ऑफकोर्स उनसे बीट कर पाएंगे। और तभी टोन भी कहता है हाँ हम कर पाएंगे, बस हमें 3 गुना मेहनत करनी होगी। तो इस पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टेंस थे, लेकिन लिन कहती है कोई बात नहीं हम लोग जरूर कर पाएंगे। वो लोग जब जाने लगते हैं तो टोन राय को रोकता है और उससे कहता है कि आज तुमने सच में बहुत ही अच्छे से खेला है एंड एक्चुअली में तुम काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो एंड मैं तुम्हें ऐसे ही फाइनल तक देखना चाहता हूँ। यह कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। लिन राय से कहती है मैंने डैड को तुम्हारी मिडिल स्कूल वाले टेंडेंसी के बारे में बताया है, लेकिन जब आज उन्होंने तुम्हें मैच खेलते हुए देखा तो मुझे लगता है कि अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और यह कहते हुए वह भी चली जाती है। रायो जब जेन के पास जाता है तो जेन उससे पूछता है क्या हुआ, तुम्हें कोच ने क्यों बुलाया था। इस पर राय कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही। और तभी राय के पास क्यू का कॉल आ जाता है, लेकिन वह कॉल पिकअप नहीं करता। तो जेन उससे कहता है क्या हुआ तुम कॉल को पिकअप क्यों नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी राय पिकअप नहीं करता। और तभी क्यू उसके पास एक ऐसा मैसेज भेजता है जिसे देखने के बाद राय के होश ही उठ जाते हैं। तो वह तुरंत उसे कॉल करता है और उससे पूछता है तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो, और तुमने कहा था ना कि तुमने सब कुछ डिलीट कर दिया था। क्यू कहता है मैं तो इसे डिलीट ही करने वाला था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम उन लड़कों से किस तरीके से पंगा ले रहे थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल लगा और इसलिए मैंने बाद में इसे अपने फ़न के लिए देखने के लिए सेव कर लिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सब मैंने अच्छा ही किया है, क्योंकि अगर एक बार ये क्लिप लीक हो गई तो फिर तुम शायद कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल नहीं पाओगे। राय कहता है साफ साफ कहो तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो इस पर क्यों कहता है मैं तुम्हारे पास लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम मुझसे मिलने के लिए अभी आओगे। यह कहते हुए वह कॉल कट कर देता है। जेन उससे पूछता है क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक तो है ना, लेकिन राय उसे कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जेन राय से मिलने के लिए स्ट्रीट गेमिंग क्लब आ जाता है जहाँ पर वह क्यों से मिलता है। क्यों उससे कहता है ये तुम्हारे लायक जगह नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, लेकिन जेन उससे कहता है कि वह राय से मिलना चाहता है। क्यों उससे कहता है मैंने कहा ना ये तुम्हारे लायक जगह नहीं है तो अभी अपने घर चले जाओ। जेन कहता है अगर मैं जाऊँगा तो मैं उसे भी अपने साथ लेकर जाऊँगा। क्यों को गुस्सा आ जाता है तो वह सीधा जेन का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर रायो आ जाता है और उसका कॉलर छुड़ाते हुए वह गुस्से कहता है इसे हर्ट मत करो और तुम मुझसे क्या चाहते हो मुझे बता दो, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। इस पर क्यों कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से पोस्ट टॉस के लिए खेलो। रायो बहुत ही गुस्से में कहता है वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते एंड मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अब और गेम नहीं खेलना चाहता, मैं अब इस तरीके से लाइफ और नहीं जीना चाहता। इस पर क्यों कहता है लेकिन जब तुम खेलना चाहते थे तब तुम्हें ने उनसे प्रॉमिस किया था और अब तुम इस तरीके से गेम से बाहर नहीं हो सकते। राय कहता है ठीक है मैं खेलूंगा, लेकिन ये आखिरी बार होगा जब मैं उनके लिए खेल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे मेरी लाइफ वापस चाहिए। और तभी जेन भी क्यों से कहता है कि वह अभी खेलना चाहता है। यहाँ सुनकर राय उससे कहता है नहीं जेन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन जेन उससे कहता है नहीं मैं खेलूँगा, अगर इससे तुम्हारी चीज़ें ठीक हो सकती है तो फिर मैं ये सब करना चाहता हूँ। तो फिर राय कुछ नहीं कहता और बस वह जेन की तरफ ही देखता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सभी लोग गेम खेलने लगते हैं, लेकिन अदर टीम वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी और वह काफ़ी अच्छे से गोल कर रही थी, इससे उनका काम नहीं बन रहा था। तो राय बताता है कि हमें उन लोगों को दूर से शॉट देने के लिए मजबूर करना होगा। इसके बाद वो लोग फिर से गेम खेलने लगते हैं, लेकिन गेम के दौरान ही राय के टीममेट को चोट लग चुकी थी तो फिर क्यों उसकी जगह आकर खेलने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें लिन को दिखाते हैं जो कि कुछ पुलिस वालों को लेकर वहाँ पर आ चुकी थी
और तभी एक आदमी आकर टोस को बताता है कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। टोस कहता है लेकिन हमने तो उनसे सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया था ना। इस पर वह पर्सन कहता है कि हेडक्वार्टर की पुलिस है यहाँ शंकर। टोस वहाँ से भाग जाता है और फिर वह पर्सन सभी को भी इस बारे में बता देता है। तो राय चेन को वहाँ से लेकर भागने लगता है लेकिन दो पुलिसमैन उन दोनों का पीछा करने लगते हैं और वो दोनों एक दीवार के लगकर छुप जाते हैं। चेन काफ़ी ज़्यादा डर चुका था तो वह राय को बहुत ही टाइटली हक कर लेता है और उन लोगों के जाने के बाद राय चेन से कहता है डोंट वरी, वो लोग वहाँ से जा चुके हैं। लेकिन राय देखता है कि चेन अभी भी काफ़ी ज़्यादा डर रहा है तो वह फिर से उसे बहुत ही टाइटली हक कर लेता है। इसके बाद जब वे दोनों एक जगह पर बैठे हुए थे तो चेन राय से कहता है क्या सच में सब कुछ ख़त्म हो गया है। इस पर राय कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सच में सब कुछ ख़त्म हो जाए एंड मेरी लाइफ का कब ये डेबिट पूरा कंप्लीट होगा। यहाँ सुनकर चेन उससे कहता है मेरी ग्रैंडमा हमेशा ही मुझसे कहा करती थी हम इस जिंदगी के सफ़र में बहुत सारे लोगों के कर्जदार होते हैं और कुछ कर्जदार तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी भूलना नहीं चाहते लेकिन कुछ कर्जदार ऐसे होते हैं जिन्हें हमें भूलना ही पड़ता है। यहाँ सुनकर राय उससे कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि तुम्हारे पास तुम्हारी ग्रांड माँ है। नेक्स्ट दिन में दिखाते हैं राय चेन को घर ड्रॉप करता है तो चेन उससे कहता है जब तुम घर सेफली पहुँच जाओ तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो फिर राय ओके कहता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब चेन ग्रांड माँ के पास आता है तो वह देखता है कि ग्रांड माँ काम कर रही थी तो उसकी हेल्प करने लगता है लेकिन ग्रांड माँ उससे कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हो तो तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। और फिर वह उसकी फेस की तरफ देखती है तो उससे पूछती है कि तुम्हारी फेस को क्या हुआ। चेन कहता है कुछ नहीं बस प्रैक्टिस करते वक्त छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ग्रांड माँ कहती है इतने में प्रैक्टिस मत किया करो। चेन कहता है ग्रांड माँ मुझे करनी ही होगी एंड मैं टीम का कैप्टन हूँ तो मुझे तो अपनी टीम को जीत तक लेकर जाना ही होगा और अगर हम लोग चैंपियनशिप जीत गए तो उसके बाद मुझे स्पोर्ट स्कॉलरशिप मिल जाएगी एंड उसके बाद मैं अपने स्कूल भी ख़त्म कर पाऊँगा एंड मैं आपका ख्याल भी रख पाऊँगा। यह सब सुनकर ग्रांड माँ स्माइल करने लगती है। इसके बाद दिखाते हैं जब चेन अपने बेड पर लेटा हुआ था तब उसके माइंड में वही सब चल रहा था जब उसने राय को हक किया था और तभी उसके पास राय का मैसेज भी आ जाता है जो उससे पूछता है क्या तुम सो गए हो। इस पर चेन कहता है नहीं बस सोने ही वाला हूँ। और फिर वह उससे पूछता है जब हम दोनों किस करने वाले थे तो तुम्हें कैसा लगा था। लेकिन फिर वह यह सब नहीं पूछ पाता और वह मैसेज को डिलीट कर देता है। दूसरी तरफ राय उससे पूछता है अपने आप को फिर से इतने रिस्क में मत डालना क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है। यह सब रीड करने के बाद चेन थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर वह उससे कहता है और तुम भी फिर से स्ट्रीट में बास्केट मौत मत खेलना क्योंकि मुझे भी तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चेन सभी लोगों से कह रहा था कि इंटर हाई टीम पहले भी चैंपियनशिप रह चुकी है तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस पर फर्स्ट कहता है जैसा हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है बस वैसे ही खेलना है तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है। इस पर जेड कहता है हाँ हम लोग बहुत ही अच्छे एंड स्पेशली मैं तो बहुत अच्छा हूँ तो अगर हम लोग अच्छे से खेलेंगे तो इतने सालों के बाद भी हम शायद चैंपियनशिप बन जाए और हमारी टीम तो वैसे भी एक ड्रीम टीम है। यह कहते हुए वह खुशी से अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है जिसकी वजह से उसका टावल नीचे गिर जाता है और वह पूरा नेकेड हो जाता है। और यह देख कर सभी लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी प्रिंस उससे कहता है तो तुम्हारा बिग ड्रीम यही है। और यह कहते हुए सभी लोग जोर जोर से उस पर हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टोन सभी लोगों को बताता है कि इंटर हाई टीम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो लोग फास्टली गोल करते हैं और उनके ज़्यादातर प्लेयर्स स्कोर को गेन करने वाले हैं एंड स्पेशली एटम। और यह कहते हुए फिर वह सभी प्लेयर्स के बारे में बताने लगता है और उनसे कहता है कि अब सब कुछ तुम लोगों पर डिपेंड करता है और अगर तुम लोगों ने अच्छे से खेला तो हम लोग जीत सकते हैं एंड इसके बाद हमारा क्लब कंटिन्यू रहेगा लेकिन अगर तुम लोग हार गए तो इसके बाद गेम ओवर हो जाएगा। नाइट में चेन जब घर जाता है तो सामने एटम को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। ग्रैंडमा उसे बताती है कि ये कल तुम्हारी टीम के अपोजिट खेलने वाला है इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ओकर फील कर रहा था लेकिन उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने एटम के वाटर में लेक्सेटिव मिला दिया है इसलिए ये कल इसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा। यह सुनकर एटम तो काफ़ी शॉक हो जाता है
तभी जेन अपने ग्रैंडमा से कहता है, ग्रैंडमा आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। और तभी एटम फूल खाने लगता है, तो ग्रैंडमा कहती है, एक्चुअली मैंने उसके पानी में लैक्सेटिव नहीं मिलाया था, बल्कि मैंने उसके फूड में मिलाया है। यह सुनकर एटम बस हैरान होकर ग्रैंडमा की तरफ ही देखने लगता है। ग्रैंडमा कहती है, हे मैंने किसी भी में कुछ भी नहीं मिलाया, तुम बस खाना खा लो। तो फिर जेन स्माइल करते हुए खाना खाने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, जेन एटम से कहता है, तुम मेरे अपोजिट खेलोगी, इससे मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होगा। यह सुनकर एटम कहता है, मुझे काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है, मुझे लगा था कि तुम मुझसे नफरत करने लग जाओगी। इस पर जेन कहता है, नहीं लेकिन मुझे तुमसे थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। एटम कहता है, तो इसका मतलब कल अगर मेरी टीम हार जाती है तो तुम मुझसे पहले की तरह ही बिहेव करोगे। जेन कहता है, ये सब मैं श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन अगर तुमने जानबूझकर हमें जिताने की कोशिश की तो फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। इस पर एडम कहता है, नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जेन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, ठीक है तो कल हम दोनों ही अपना बेस्ट करेंगे। तो फिर एटम भी उसके साथ हैंडशेक कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर दोनों टीम का मैच होने लगता है। लेकिन एक लड़का आकर राज से कहता है, तुम इतने ज़्यादा भी अच्छे नहीं हो जितना लोग कहते हैं, तुम एक सकर हो। यह सुनकर राय को अच्छा नहीं लगता और उसके बाद गेम होने लगता है। लेकिन एटम की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी और वो लोग गोल पर गोल किए जा रहे थे, इसके वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ब्रेक टाइम में टोन सभी को अपने पास बुलाता और फिर वह राय से कहता है, राय तुम्हें क्या हो गया है, तुम गेम प्लान को फॉलो क्यों नहीं कर रहे। तभी जेन टोन से कहता है, कुछ मैं इसे हैंडल कर लेता हूँ। और यह कहते हुए वह राय का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर चला जाता है। टोन जेडी से कहता है कि वह कैलकुलेट करके बताए कि उनके जीतने के चांसेस है या फिर नहीं। तो जेडी उन्हें कैलकुलेट करके बताता है, जहाँ पर उनका क्राफ्ट डाउन ही जा रहा था। यह देखकर टोन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जेन राय से कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है। इस पर राय कहता है, कुछ नहीं एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जेन कहता है, तो फिर तुम गेम में अपना थोड़ा सा भी दिमाग यूज करोगे, क्योंकि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें किसी पर विश्वास ही नहीं है, हम लोग एक टीम है। इस पर राय कहता है, तुम जीतना चाहते हो ना, अगर तुम जीतना चाहते हो तो जैसे मैं खेल रहा हूँ मुझे उसी तरीके से खेलने दो। जेन कहता है, तुम्हें गेम प्लान को फॉलो करना होगा। इस पर राय उससे कहता है, तुम हमारी टीम का स्टेटस देख सकते हो, अगर हम लोग इसी तरीके से खेलते रहे तो हम लोग हार जाएंगे। और यह कहते हुए वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब ये लोग टोन के पास जाते हैं तो टोन उन लोगों को बताता है कि ये गेम इतना ज़्यादा भी चैलेंजिंग नहीं है, बस वो लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं एंड उनकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, उन्हें अच्छे से डिफेंस करके खेलना होगा। और फिर वह उन लोगों को बताता है कि उन्हें क्या करना है। और फिर वह अंत में उन लोगों से कहता है, अब भी हम लोगों के पास जीतने के चांस है, हमें सेमी सर्कल ड्रो करना होगा और हमें थ्री पॉइंटर का स्कोर लेना होगा। तो सभी लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। लेकिन गेम के बीच में इंटर हाई की एक पिपो नाम के प्लेयर को चोट लग जाती है। लेकिन फिर से गेम स्टार्ट होता है एंड इस बार उन लोगों के अच्छे से खेलने की वजह से जिनकी टीम जीत जाती है। तो फिर राय उस लड़के के पास जाकर कहता है, तो बताओ अब कौन सकर है। और फिर वह अपनी टीम के साथ जाकर उनकी खुशी में शामिल हो जाता है। और जब वे लोग घर जाने लगते हैं तो राय कोच से कहता है कि उसका घर पास में ही है तो यहाँ से चला जाएगा। यहाँ सुनकर जेन उससे कहता है, क्या तुम हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं करने वाले। लिन भी उससे कहती है, तुम्हें हमारी टीम को जीतने में हेल्प की है और तुम्हें अब हमें इस तरीके से डीच करके जा रहे हो। तो राय उससे कहता है, ठीक है अभी मुझे थोड़ा काम है तो मैं बाद में ज्वाइन करता हूँ। और यह कहते हुए वह वहाँ से चला जाता है। और जब वह रास्ते में जा रहा था तो इंटर हाई के प्लेयर्स उसे मिल जाते हैं। एक लड़का उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम बहुत ही ज़्यादा टफ हो। यह सुनकर राय उससे कहता है, वो सब तो तुम लोगों ने कोर्ट में देख लिया था। लेकिन वो सभी लड़के मिलकर राय को मारने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।